हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके पास कोई भी एंड्रॉयड है उस पर आप वीडियो वॉलपेपर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि आपके पास कोई भी xiaomi का डिवाइस है उसमें आपको डिफॉल्ट ही वीडियो वॉलपेपर का ऑप्शन अभी MIUI 11 में देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों अगर आपके पास दूसरा कोई भी डिवाइस है या फिर आप कस्टम रोम या फिर स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो उस वक्त पर आपको दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिंपली दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाके वीडियो वॉलपेपर टाइप करना है तो ये ऐप आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी आपको इस ऐप में सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी वीडियो वॉलपेपर की जगह पर सेट करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और उसकी लेंथ वगैरह आपको यहाँ से सेट कर देना है। जैसे ही ये सेट हो जाता है उसके बाद आपको ऊपर जो बटन दिया गया है उसके मदद से आप इस वीडियो को वॉलपेपर की तरह जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट वॉलपेपर कर देना है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी तरह से ये जो है वो होम स्क्रीन पर वीडियो जो है वो चल रहा है। अभी दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप इस ऐप को क्लोज कर देते हैं या फिर इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं तो ये वॉलपेपर चला जाएगा, बिल्कुल ही दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो भी आपका वॉलपेपर वैसा का वैसा रहेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी आपके पास एंड्रॉयड है उस पर वीडियो वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे और भी ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।